अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम हिजाब और आप देखें ग्राफिक स्टाइल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्केल टूल के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम स्केल टूल से किस तरह पिलर्स की ड्राइंग बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया। हमें थोड़ा पिलर्स का कलर चाहिए। तो इसलिए स्वाचिस में ये कलर थे तो मैंने इधर से पिक कर लिया। इसी को हम ग्रेडिएंट में ले आते हैं। इसी की हम दो कॉपी ले लेंगे आर्ट की मदद से और ये ब्लैक वाले को डिलीट कर देंगे। अब ये जो दरमियान वाला कलर है वो हमें थोड़ा लाइट चाहिए। आप सिंपली अगर HSB में कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिंपली कलर गाइड्स में जाएंगे तो आपको इनके शेड्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। इस पर क्लिक करें, देन सिंपली उठा के इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो देखिए इजीली ये आ गया। अब हम इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ले लेंगे। ये हमने ले लिया। हम अलाइन का पैनल ओपन करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन कर लेंगे। ये दोनों अलाइन हो गए। देन इसी की हम शिफ्ट से आल से ऊपर कॉपी लेंगे और शिफ्ट ऑफ आल से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। मैंने शिफ्ट और आल्ट इसलिए दबाया ताकि ये दोनों इजीली एक साइज़ के मुताबिक रीसाइज हो। फिर हम इसी की कॉपी ले लेंगे। और इसको भी हम शिफ्ट और आल से थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। ये थोड़ा अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इन तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लें। अब हमें चाहिए इन चारों को सिलेक्ट करके अलाइन भी आप कर ले, देख ले इजीली आपका अलाइन है कि नहीं। अब इधर हमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो उसके लिए हम इसको थोड़ा जूम करेंगे। सिंपली एक रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पर। विंडो में जाएंगे तो यहाँ नीचे आपको ट्रांसपेरेंसी का पैनल नज़र आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी का पैनल आ गया है। इसको चाहें तो आप उठाकर बाहर भी रख सकते हैं। अब इसमें हमने कलर करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लें ताकि थोड़ा शेडेड नज़र आए हमें। इसी की हम कॉपी ले लेंगे आर्ट से, आर्ट और शिल्प की मदद से, और हम इसी को शिफ्ट और आर्ट से छोटा कर देंगे। फिर हम इसी की कॉपी लेंगे, फिर शिफ्ट और आल से थोड़ा
इसको अब हम थोड़ा छोटा कर देंगे। इसकी हम ऑल्ट और शिफ्ट से कॉपी कर लेंगे इन्हें। इसको दोबारा इधर ही रख देंगे। इसको हम बंद कर देते हैं। कंट्रोल ज़ीरो करेंगे तो हम वापस अपने पेज पर आ जाएंगे। इसी को रोटेट करके हमने यहाँ पर लगाना है। हम ऑल से थोड़े से जूम कर लेते हैं। अपनी स्मार्ट गाइड हमेशा ओपन रखिएगा, ये आपको बताती है कि आपका सेंटर और इंटरसेक्ट वगैरह किधर है। कंट्रोल से सबको सेलेक्ट कर लिया और इसी की हम एक और कॉपी ले लेंगे। उससे पहले हम कंट्रोल जी कर लेंगे ताकि ये ग्रुप हो जाए इजीली। इसको भी हम थोड़ा इस तरह नीचे ले आएंगे, इसको भी इसके बराबर हम ले आएंगे। अब हमें एक और रेक्टेंगल चाहिए, इसके ऊपर हम इस तरह से एक और रेक्टेंगल बना लेंगे। कंट्रोल ए करके इन सबको हमने ग्रुप कर लेना है। कंट्रोल जी से ग्रुप होगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये स्केल टूल मौजूद है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्केल टूल आ जाएगा। यहीं से हम इसको छोटा करेंगे ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से, देन कंट्रोल डी करेंगे तो इस तरह आप देख सकते हैं ये एक इमेज क्रिएट हो गई है। तो आपको एक जैसे पिलर का डिज़ाइन होता है वो क्रिएट हो गया। अगर आप चाहते हैं जब आप स्केल टूल को क्लिक करेंगे और आप चाहते हैं कि ये आपको ऊपर से नज़र आए तो आप सिंपली ऊपर क्लिक कर दें। देन इसको करेंगे इस तरह से तो कंट्रोल डी करेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगा जैसे आपको ऊपर से नज़र आएगा, लेकिन आप देख रहे होंगे ये ओवरलैपिंग कर रहा है। तो इसके लिए आपको करना होगा कि ना सबको सेलेक्ट करके बारी बारी सेंड टू बैक करना पड़ेगा। रेंज में जाके सेंड टू बैक तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कोई भी इमेज ओवरलैपिंग नहीं करेगी। आपको जिस साइड से चाहिए आप उस तरफ इसका पिवट पॉइंट रखेंगे तो इसी तरफ आ जाएगी।
अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जजाकअल्लाह।